बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो है दम पुख्त। उसके लिए मैंने ये जो है ये 1.5 किलो गोश्त लिया है और 1/2 किलो हड्डी लिया मैंने, और ये हड्डी ऊपर रख दी है। हम छत के ऊपर आए हुए हैं। जो हमारा तरीका है ये जो दम पुख्त का है ये डिफरेंट है, क्योंकि मेरे घर में हमने शुरू से अम्मी से इस तरह देखा है इसको बनाते हुए, और मैं आपसे वही तरीका जो है वो शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने जो गोश्त लिया इसमें चर्बी वाला है, यानी कि नज़र आ रही होगी आपको, ये इसके अंदर मैंने डाली है। और साथ में ये मक्खन है, ये 2 कप जो है ये मक्खन जो इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ। घर का जो मक्खन निकला होता है वो मक्खन है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। घर पे हमने निकाला हुआ इसको, और अब हमने इसके अंदर मक्खन के साथ ही हम 1 टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर देंगे, और इसको इसके अंदर थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे थोड़ा टाइम ना, क्योंकि भूनेंगे इसके अंदर ना, फिर बाकी जो आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ फिर कैसे करना है जी। मक्खन डालने के बाद 10 मिनट हो गए, मक्खन और नमक जो मैंने ऐड किया है ना उसके बाद 10 मिनट हो गए ये पकते हुए। तो अब ये मक्खन ने और ये जो गोश्त का पानी था निकल आया है, और इस पानी को खुशक करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये नॉर्मल जो फ्लेम है उसके ऊपर ही हो रहा है, मैंने हल्की सी नीचे वो जिधर आपको दिखा सकती हूँ ये हो रहा है, तो इसके ऊपर ही हो रहा है, तो इसको खुशक करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इससे भी बहुत मज़े का और बहुत अच्छा ये दम पुख्त बनता है, और हमारे घर में शुरू से इसी तरीके से बनता है, और मैंने कहा चले मैं आपको यही तरीका जो है हमारे घर में बनता है उसी तरीके से शेयर करती हूँ। तो 1/2 घंटे तक ही हुआ है, अब इसके अंदर मैं करने लगी हूँ जो बाकी चीज़ें डालती हूँ। 1 स्पून जो है ये जो पुदीने की चटनी होती है, हरी मिर्च और लहसुन के साथ मैंने कूटा इसको, थोड़ा नमक डाला, 2 टेबल स्पून इसमें ये डालने लगी हूँ। और साथ में मैंने ये एक लहसुन का कट्ठा लिया है इस तरह बड़ा, और ये प्याज जो है ये 5 प्याज छोटे छोटे हैं, ये इसमें इस तरह ऐड करने लगी हूँ मैं। और ये अदरक, जो अदरक है इतना मैंने इस तरह मोटा मोटा काटा है, बारीक मैंने काटा, ये इसके अंदर इस तरह डालने लगी। और ये दही जो है ये तकरीबन 2 कप जो है वो दही है, ये 2 कप की क्वांटिटी जो है, ये सारा इसमें दही ऐड करने लगी हूँ। और ये जो आलू है मैंने छिलके नहीं उतारे, छोटे छोटे हैं तो ये हो जाएंगे, तो इनको भी 1/2 किलो जो है क्वांटिटी इनकी है वो मैं इसमें डालने लगी जी। ये हरी मिर्ची हैं, ये तकरीबन 15 हरी मिर्चें हैं, लेकिन ये तीखी नहीं होती हैं, अगर आप कम डालना चाहे कम ही डाल सकते हैं, तीखी हो तो ये तीखी नहीं टेस्ट के लिए मैं डाल रही थी, ज़्यादा हम डाल रहे हैं इसमें ना। और ये जो लेमन है ये 5 लेमन है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये। अब इन सबको मैं एक साथ अभी करती हूँ, मैं पहले इसमें डालूंगी, मैं इसमें अंदर डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून दरदर में ऐड करने लगी हूँ, और 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च ये इसमें ऐड करने लगी हूँ। नमक हमने पहले 1 टेबल स्पून डाला था, वो ही बहुत है, तो अब इसको मिक्स करके जिसके अंदर 1 कप जो है मैं पानी डालने लगी हूँ, 1 कप मैंने छोटा जो कप होता है वो पानी का ऐड किया है। तो अब इसके ऊपर लगाते हैं आटा, घर का जो आटा गूंदा होता है मैंने वही लिया है, और सारा इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह करके राउंड शेप में जी। अब ये मैंने आटा लगा दिया सारे राउंड शेप में, और अब इसके ऊपर ये ढक्कन जो है मैं इसको ऐसे करने लगी हूँ, दबाने लगी हूँ, चिपक जाएगा। अब इसको जो हमारे कोले हैं कोलों के ऊपर रखना है, और कोलों में थोड़ा फासला रखना है, जैसे कि 2-3 इंच का फासला हो उसके ऊपर रखेंगे। तो मैं आपको रख दिखाती हूँ, जब इसको मैंने रख दिया अभी इतनी सी आंच थी, 5-6 मिनट जो है मैं इस आंच को रखूंगी, क्योंकि जो हमने पानी का डाला चीज़ थोड़ी गर्म हो जाए, फिर इनको स्टीम के ऊपर हम 1 घंटा जो है इसकी स्टीम देंगे। जब इसको 1 घंटा 20 मिनट हो गए मैंने स्टीम पर रखा, और मैं आपको कोले दिखाती हूँ, इतने ही कोले जलते रहे, कोले मैंने बुझने नहीं दिए, ये देख सकते हैं आप लोग, तो इतने कोले जलते रहे, अभी भी इनकी हीट काफ़ी है, तो ये हीट कम नहीं होनी चाहिए। तो 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम उतारने लगे हैं। इसको आटे को जो है इस तरह थोड़ा सा काट के उतारेंगे हम लोग, वो बहुत गर्म है। जब इसको मैं खोलने लगी हूँ आटा जो मैंने सारा इसको काट लिया इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त आला। और अभी आटा सारा मैं निकालने लगी हूँ, और इस आटे को ज़ाया नहीं करना, ये आटा हम जानवर को डाल देंगे,
क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, आपको नज़र आ रहा है धुएं के बाद से रोशनी जाना ज़रा कम हुई हुई है। वैसे छत के ऊपर है, मगरिब हो गई है। जब आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त वगैरह आलू हर चीज़ नज़र आ रही है, पक चुकी है, गल चुकी हुई है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत आला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दिल चाह रहा है फ़ौरन खा लें। और आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये तरीका हमारा कैसा लगा और आपको ये तरीका पसंद आया है या नहीं। जी माशाल्लाह बहुत आला ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मैं आपको दिखाती, देखें गोश्त इतना गल चुका हुआ है कि बिल्कुल देखें सॉफ्ट है। जी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।